रोटेशन में लास्ट लेक्चर तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को समझा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉर्क। याद करो जब लॉज ऑफ मोशन आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? सर लॉज ऑफ मोशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में आने को अपोज करता है इनर्शिया। अच्छा, लीनियर मोशन में आने को इनर्शिया अपोज करता है। अगर ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में है वो मोशन में आने को अपोज करेगा। उसी तरीके से हमने रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। एक ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है। रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है। एक बॉडी जो घूम रहा है उसको रेस्ट में लाने के लिए आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डील करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा या रुके हुए ऑब्जेक्ट को घुमाना मुश्किल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को घुमाना आसान होगा, घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना आसान होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट है। अच्छा सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट है। उसके बाद एनएलएम में आपने क्या पढ़ा था? फोर्स। फोर्स क्या होता है? कॉज ऑफ चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट। टॉर्क क्या होगा? कॉज ऑफ चेंज इन, समझिएगा, कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको घुमाने के लिए क्या चाहिए हमें? टॉर्क। और ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए हमें? टॉर्क। इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन में चेंज लाने वाला। हालांकि ऊपर वाला ही बात लिखा है, टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, टू चेंज द रोटेशनल स्टेट, टॉर्क इज रिक्वायर्ड। एक बहुत आसान से कंसेप्ट से मैं शुरू करता हूं। यहां पे देखना बेटा, एक मैं बनाता हूं, ये तुम देख के समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ये क्या बनाया है बताओ, ये क्या है? तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये तुम्हें नट जैसा नहीं लग रहा? नट जैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, नट है ये। अच्छा उसमें मैं बना देता हूं एक रिंच। क्या बना देता हूं? देखना ये रिंच, ये देख, ये क्या? देखो अच्छे से, ये क्या बताओ? रिंच। अच्छा रिंच यहीं तक है, ऐसा हैंडल है। अब तुम्हें इसे फोर्स लगाए घुमाना है तो बताओ, यहां से फोर्स लगाए घुमाओगे तो इसको, इस नट को इस रिंच से खोलना आसान होगा, घुमाना आसान होगा, थोड़ा मुश्किल होगा या अजीब सा नहीं लग रहा? अच्छा ये तुम्हें देख के अजीब सा लग रहा, लेकिन इसका फिजिक्स समझोगे ना तुम्हें दिक्कत आएगी। अब ये ठीक लग रहा है। मान लो मैं क्या करता हूं, दो नट बनाता हूं, इस नट को खोलने के लिए तो मैंने एक ऐसा रिंच लिया, ऐसा ही नट है, सेम नट है, और इसको खोलने के लिए मैंने ऐसा रिंच लिया। दोनों में से बढ़िया रिंच कौन सा लग रहा है? रिंच मतलब जो घुमा देता है, तो ये बढ़िया लग रहा है। तो इसमें खास बात क्या है? सर इसकी हैंडल बड़ी है, हैंडल बड़ी तो घुमाना आसान होगा क्या? हाँ, यहां से तुम फोर्स ऐसे लगाओगे ना तो इसको घुमाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सेम अगर नट है तो भी, और ज्यादा दूर लगाओगे तो इसको घुमाना आसान होगा। मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ये है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां से मान लो तुमने लगाया, ये फोर्स एफ, तो जितना ज्यादा दूर जाके लगाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स, उतना ज्यादा इसको घुमाना आसान होगा। और ये याद रखना कि मैंने यहां से डिस्टेंस मेजर करा, एरो यहां लगाया, ये पोजीशन वेक्टर है, कहां पे, जहां पे मैंने फोर्स लगाया है, कहां से मेजर किया है, जिसके अबाउट ये घूमने वाला है वहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे बेटा, यहां से मैंने फोर्स लगाया है आर डिस्टेंस पे, ये देखो ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे इस। अब मान लो ये पोजीशन वेक्टर आर एक्स एक्सिस की तरफ है, वो तो है ही, ये थीटा है। अगर ये फोर्स इधर ना लगा के, ऐसे मैंने दिखाया लगा के, ऐसे ना लगा के इधर लगा लो तो क्या ये घूम जाएगा? अगर मैं ऐसा फोर्स लगा दूं, ऐसा देखो ये तुम्हारा है रिंच, है ना, ये नट है और इसमें मैंने रिंच लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया मैंने? रिंच लगा दिया। अब मैंने इसको खोलने के लिए इसको लगा के और ऐसे खींच लिया, तो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। कब घूमेगा? जब तुम फोर्स ऐसे लगाओगे। लेकिन इसके फिजिक्स के कंसेप्ट को समझो कि अगर मैं यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाऊं जो कि यहां से थीटा एंगल पे, तो इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, इस एफ का एक आगे वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। अब ईमानदारी से बताओ, ये नट को घुमाने के लिए, इस नट को घुमाने के लिए इस कॉर्नर पे जो मैंने फोर्स लगाया है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमा लेने के लिए, एफ कॉस थीटा, एफ या एफ साइन थीटा?
एफ तो रिस्पॉन्सिबल नहीं इसके दो कंपोनेंट लिए, एफ कॉस थीटा की वजह से घूमेगा नहीं, उल्टा ये रेंज बाहर आ जाएगा, एफ साइन थीटा से ये यहाँ फिक्स होके इसको घुमा देगा, घुमा देगा। सुनना ध्यान से, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाके मैं फोर्स लगाऊंगा उतना बढ़िया और ज्यादा टॉर्क लग जाएगा। अच्छा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये साइन थीटा वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए हमें आर वेक्टर से। तो ये आ जाएगा आपका, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो टॉर्क बराबर आ जाएगा आपका आर एफ साइन थीटा, और जहां पे साइन थीटा आ जाता है फॉर्मूले में उसको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये बन जाएगा आपका टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ वेक्टर। अब जब ये क्रॉस प्रोडक्ट आया तो हमें इतना समझना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने पढ़ाया था कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा आर और एफ दोनों से परपेंडिकुलर हो, मतलब यहां पे आप लिखेंगे टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। टॉर्क आर और एफ दोनों से ही परपेंडिकुलर आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आर और क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो पहले वेक्टर की तरफ आप हाथ रखो। अच्छा, डायरेक्शन निकालना मैंने वेक्टर में सिखाया, तो फिर से एक बार सिखाता हूँ, क्या करो कि राइट हैंड लो और पहले वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड को रख दो। तो पहला वेक्टर इस फॉर्मूले में कौन है, आर। अच्छा याद रखना, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ लिखा है, ये मत लिख देना टॉर्क बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, गलत हो जाएगा। और दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर। पहले एग्जांपल है, इसकी प्रॉपर्टी लिखते चलो, टॉर्क इज अ वेक्टर और स्केलर, टॉर्क इज अ वेक्टर। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क का मतलब होता है कितना फोर्स और कितना दूर कितना फोर्स लगाया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना दूर जाके लगा रहा हूं मैं। जितना ज्यादा दूर जाके लगाऊंगा टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। और एक प्रॉपर्टी और यहां पे आएगी, कितना फोर्स, कितना दूर और किधर लगाया फोर्स आपने, किधर फोर्स किधर, समझना, यहां पे थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं, किधर फोर्स मतलब ये हुआ कि अगर तुम बहुत ज्यादा दूर चले गए और फोर्स तुम इसके पैरेलल लगा दिए, बहुत फोर्स भी लगाया लेकिन फोर्स इसके पैरेलल लगा दिए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अगर तुम्हारा फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करे, मतलब आर और फोर्स पैरेलल हो जाएगा, फोर्स और आर के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क असल में तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वो कॉज जो किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल चेंज ला सकता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों पर, वो डिपेंड करता है आर पे, कितना दूर, कितना फोर्स और किधर। थोड़ा सा फील आया कि नहीं आया, मैं यहां पे एग्जांपल से आपको समझाया, एकदम एग्जांपल से समझाया। अब मेरी बात सुनना, ये टॉर्क का डेफिनेशन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क का, टॉर्क का डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड से डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड से डायरेक्शन कैलकुलेट। कैसे करेंगे राइट हैंड से डायरेक्शन कैलकुलेट, तो पहले फोर फिंगर को फर्स्ट आर की तरफ रखेंगे, और उसको टर्न करेंगे एफ की तरफ, उसको किधर टर्न करेंगे, एफ की तरफ। फोर फिंगर को आर की तरफ रखेंगे और उसको फोर्स की तरफ टर्न करेंगे, तो जो आपका थंब है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका थंब है उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे राइटिंग गड़बड़ आ रहा है, ये नया सीख रहा हूं, इस पर मैं लिखना ठीक करके भी लिखूंगा, चिंता मत करो, राइटिंग सुधर जाएगा एक दो दिन में। तो बताओ राइट हैंड से कैसे निकालोगे, पहले फोर फिंगर को आर की तरफ रखोगे, फिर उसको किधर टर्न करोगे, फोर्स की तरफ। तो थंब होगा आपका टॉर्क का डायरेक्शन, बताए, क्लियर है, चलो स्क्रीन पॉज करके लिखो। अच्छा आगे देखना, इफ आर इज जीरो तो टॉर्क कितना होगा, मैंने बहुत फोर्स लगाया लेकिन वहीं पे लगा दिया जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे देखो, मान लो कि ये एक रॉड है, यहां से हिंज है,
ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां पे मैंने इस पे कोई फोर्स लगा दिया है। तो यहां पे जो मैंने फोर्स लगाया है और पिछले केस में फोर्स लगाया था उसमें क्या डिफरेंस है? जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो यहां वहीं पे मैंने फोर्स लगाया, कितना दूर मैंने फोर्स लगा दिया, एकदम जीरो पे। तो टॉर्क का डेफिनेशन होता है आर एफ साइन थीटा, जैसे ही आर जीरो है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? इस केस में भी देख सकते हो तुम, यहां पे अज्यूम करो, जैसे यहां पे देखो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहीं पे अगर मैं फोर्स लगा दूं इस फोर्स की वजह से टॉर्क बताओ क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आया ये बात? चलो स्क्रीन पॉज करके लिख लिया था ना इसको, नेक्स्ट देखो यहां पे टॉर्क हो जाएगा जीरो। अच्छा इफ फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाया, नो फोर्स इज एक्टिंग, नो फोर्स इज एक्टिंग, तो टॉर्क बताओ क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि देखो यहां से एफ जीरो रखूंगा। अच्छा इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो बट थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क क्या होगा? देन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। मैं तुम्हें बस यही फील करा रहा हूं अभी कि टॉर्क होता क्या है और टॉर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक रॉड लिया, क्या लिया बेटा? एक रॉड लिया। अब इस रॉड में यहां पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई चीज किसी ना किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही घूमता है। टॉर्क लिखना सिखा रहा हूं, बाकी मैं सिखाऊंगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या रोल है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा किसी पॉइंट के अबाउट ही तो घूमेगा, वो पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है। जैसे मान लो इसको मैं यहां से पकड़ लूं और ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, इस पॉइंट के अबाउट देखो ये घूम रहा है, और अगर मैं इसको यहां से इस एक्सिस रस्सी बांध दूं और इसको ऐसे घुमाऊं तो इस एक्सिस के अबाउट देखो ये पिन घूम रहा है, देख ये पिन घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी इनसाइड द बॉडी और मे बी आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भी हो सकता है बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो यहां पे मान लो ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहां पे मैंने फोर्स लगाया, तो आपको सबसे पहले देखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर आर वेक्टर, आर वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे लगाया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस, आर इधर फोर्स इधर, एंगल बोलो क्या हो गया? सर एंगल तो आपने जीरो बोला था, एक तो 80 हो गया, साइन जीरो और साइन 180 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, बताइए टॉर्क क्या हो जाएगा? सर टॉर्क जीरो। तो अभी हमने सीखा जीरो टॉर्क, जीरो टॉर्क कौन कौन से केस में हो सकता है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा। अब देखिए अब यहां पे समझिएगा, मैंने जीरो टॉर्क समझी, अब यहां पे एक चीज समझिएगा, मान लो कि मैं कहता हूं कि इफ टॉर्क इज जीरो देन फोर्स मस्ट बी जीरो, सही है कि गलत है बोलो? इफ टॉर्क इज जीरो देन फोर्स मस्ट बी जीरो, अगर किसी बॉडी पे टॉर्क जीरो लग रहा है तो फोर्स जीरो होगा, ट्रू और फॉल्स? सर अभी अभी आपने देखा यहां पे कि टॉर्क जीरो था, लेकिन फोर्स कहाँ जीरो है? फोर्स तो नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क सिर्फ फोर्स पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, हो सकता है बहुत फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन टॉर्क उसका जीरो हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे आप, ट्रू की फॉल्स? इफ टॉर्क इज जीरो देन फोर्स मस्ट बी जीरो, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, गलत हो गया ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। अच्छा देखो इफ इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो देन फोर्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है क्या? इफ टॉर्क इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, नेट लिख देता हूं, इफ टॉर्क नेट इज जीरो, नेट टॉर्क बॉडी पे क्या लग रहा है? इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इफ नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब टॉर्क लग रहा है, इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट वन है, ये स्टेटमेंट टू है, ये कह रहा है कि टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो देन फोर्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। सर ये कैसे फॉल्स हो जाएगा? अगर टॉर्क लग रहा है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा, बिना फोर्स के कैसे टॉर्क लग सकता है? देखो बिना नेट फोर्स के टॉर्क लगा के दिखाता हूँ मैं, बिना नेट फोर्स के टॉर्क लगा के दिखाता हूँ। देखो बेटा बिना नेट फोर्स के टॉर्क कैसे लगता है, मान लो कि तुम गए पार्क में, पार्क का गेट देखा ऐसा गेट होता है, यहां से देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्क का गेट है जो घूमता हुआ ऐसे खुलता है ना गेट, अरे पार्क का गेट नहीं देखा घूमता हुआ इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता है, एकदम छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ सीखो इसको। अब तुम जैसे ही अंदर गए, एक तुम्हारा दोस्त था जो तुमसे मिलना नहीं चाहता कभी, तेरा शक्ल नहीं देखना चाहता, वो तुरंत उस पार्क गेट से बाहर भागा, ऐसे भागा,
जितना फोर्स तुम्हें लगा उतना ही फोर्स उसने लगाया, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगी? सर इस बॉडी पे तो नेट फोर्स जीरो लग गई। बताओ नेट फोर्स कितना लग गया? सर इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगा। कैसे? यहां से जितना फोर्स ऊपर, यहां से उतना ही फोर्स नीचे, नेट फोर्स जीरो लग गया। अच्छा नेट टॉर्क बताओ। चलो नेट टॉर्क निकालते हैं। क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? सर ये तो देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? देखिए यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये आर वेक्टर है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर वेक्टर इधर है। आप देखो दोनों उल्टा हो रहा है। देखो आर आगे, इसका आर आगे, फोर्स नीचे, इसका आर पीछे, फोर्स ऊपर, दोनों उल्टा हो गया। तो हो सकता है कि टॉर्क का डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में आ जाए। तो देखो आर इधर, तो राइट फोर्थ फिंगर को कहां रखोगे? फर्स्ट वेक्टर की तरफ घुमाओगे। कहां? सेकेंड वेक्टर, फोर्स नीचे की तरफ। बताओ थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो यहां पे जो टॉर्क वन आएगा वो आएगा आपका एफ आर अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस, प्लस इसका फोर्थ फिंगर इधर, इसका फोर्थ फिंगर इधर, फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। फोर्थ फिंगर इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर। तो टॉर्क कहां जाएगा? अंदर की तरफ। इसका टॉर्क अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा एफ आर क्रॉस। तो नेट टॉर्क बोलो क्या हो गया? नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ गया टू एफ आर। लेकिन नेट फोर्स क्या है बोलो? जीरो। बताओ इस बात को फील करो, कहीं ऐसा लिखा हो ना कि नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क क्या होगा? ऐसे देख, यहां पे स्टेटमेंट नंबर थर्ड लिख रहा हूं। इफ नेट फोर्स इज जीरो, देन नेट फोर्स इज जीरो, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स जीरो है बॉडी पे, देन नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। बताओ ट्रू फॉल्स? इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स इज जीरो, देन नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? नेट फोर्स लग ही नहीं रहा साहब, नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क बताओ। नेट फोर्स जीरो, देखो यहां पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क बताओ। नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क यहां पे जीरो नहीं है। तो इफ नेट फोर्स इज जीरो देन नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। बहुत ज्यादा चीज नहीं सीखेंगे आज, अपन छोटी छोटी बातें सीखेंगे, लेकिन बताओ ये फील आया कि नहीं कि ये फॉल्स है, ये फील आया कि नहीं कि ये फॉल्स है? समझ आया? नेक्स्ट देखिए। अच्छा सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, आगे देखिए आपको और समझाते हैं। इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन टॉर्क नेट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, बोलो फॉल्स। मतलब यार डायरेक्ट फोर्स और टॉर्क में कोई रिलेशन ही नहीं है क्या? या फोर्स और टॉर्क में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है? नहीं, फोर्स एंड टॉर्क में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। ऐसा क्यों? फोर्स और टॉर्क में कोई डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखूं नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आर नेट क्रॉस एफ नेट, गलत है। बहुत सारे फोर्सेज अगर बॉडी पे लग रहे हैं उसका टॉर्क आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो टॉर्क कैसे लिख सकते हैं? सर देखिए नेट टॉर्क का डेफिनेशन देखिए क्या होगा। नेट टॉर्क होगा पहले फोर्स का टॉर्क आर वन वैक्टर क्रॉस एफ वन वैक्टर, प्लस दूसरे फोर्स का टॉर्क, प्लस तीसरे फोर्स का टॉर्क, प्लस सो ऑन। ये नेट टॉर्क का सही फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट जो होगा उसे डायरेक्ट टॉर्क कैसे लिखोगे? सारे फोर्स एक ही जगह पे लग रहे होंगे या नहीं? अलग अलग जगह पे लग रहे होंगे। इसीलिए यहां पे मान लो कि इसका जितना टॉर्क हुआ उसका इतना टॉर्क हो गया। जैसे मान लो देखो मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, एक और एग्जांपल समझाता हूं। यहां पे देखो मान लो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने इधर फोर्स लगाया एक एफ और मैंने इधर फोर्स लगाया एक एफ, तो बताओ नेट फोर्स बोलो। सर नेट फोर्स ऊपर एफ, तो बॉडी पे बाहर से जो नेट फोर्स लगा है सर वो कह सकते हैं टू एफ, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टॉर्क इज जीरो। ये बॉडी घूमेगा ही नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? इसका टॉर्क देखो आर वन, या सिंपल आर लिख लो आर, और ये भी आर। इसका टॉर्क देखो बाहर की तरफ, इसका टॉर्क देखो बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ, इसका टॉर्क अंदर की तरफ, इसका टॉर्क एक मिनट। आर इधर, फोर्स ऊपर, टॉर्क देखो थंब का है। देखो आर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाओगे, वहां से आर की तरफ, फर्स्ट आर की तरफ रखना है, तो कहां से आर डिफाइन हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। वहां जाओ और फोर फिंगर को आर की तरफ रखो, फोर फिंगर को आर की तरफ रखो और फोर्स की तरफ घुमाओ। देखो फोर्स ऊपर आ गया, टॉर्क कहाँ है? बाहर। यहाँ पे जाओ आर की तरफ रखो, आर की तरफ रखा, फोर्स की तरफ घुमाओ। आर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर ऐसे डिफाइन होता है, फोर्स की तरफ घुमाओ, ऐसे घुमाया, कहाँ गया टॉर्क? अंदर। इसका टॉर्क बाहर, इसका टॉर्क अंदर, तो नेट टॉर्क हो गया जीरो। हाँ सही तो है, एफ आर जितना बाहर उतना ही एफ आर अंदर, तो नेट टॉर्क क्या हो गया बोलो? अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया,
नेट फोर्स क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये लिखा है इफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट नेट टॉर्क इज जीरो। तो क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ आया, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। अब आपको टॉर्क लिखना सिखाएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फोर्सेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया और उसको यहाँ से हिंज कर दिया वहाँ से, बहुत बढ़िया से हिंज कर दिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क लिखना है अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क लिखोगे बेटा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके मान लो रॉड का मास एम, लेंथ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना, जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा मास वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे रॉड का इसके बीच में लगेगा सेंटर ऑफ मास में। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क बताओ, तो सर टॉर्क तो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। फोर्स कहीं से भी लगा दो बॉडी पे, फोर्स है। फोर्स में दो ही चीज़ है, कितना और किधर। फोर्स में दो ही चीज मायने रखता है, कितना और किधर। फोर्स में दो ही चीज मायने रखता है, कितना और किधर। लेकिन टॉर्क में तीन चीजें मायने रखता है, कितना, किधर और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना दूर। तो यहां से अगर मैं पूछूं इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, एम जी की वजह से टॉर्क बताओ, ड्यू टू एम जी, इस एम जी की वजह से ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क बताओ। तो तुम लिखोगे एम जी इंटू, ये लेंथ हो जाएगा सर एल बाई टू, ये लेंथ क्या हो जाएगा L by 2, तो लिखोगे mg into L by 2, ये टॉर्क है mg into L by 2, समझ आया। ये लिखेंगे आप mg और लेंथ यहाँ पे आएगा L by 2। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में mg की वजह से ही टॉर्क लिखना है, mg के वजह से ही टॉर्क लिखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखोगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, mg के वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा बेटा mg into 0। जिस पॉइंट से आप टॉर्क लिखोगे उसी पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे कि कहां पे आप फोर्स लगा, इस पॉइंट से कितना दूरी पे फोर्स लगाया आपने mg फोर्स L by 2, इस पॉइंट से कितने दूरी पे लगा है जीरो पे, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा जी। ये है कहानी, एकदम बहुत सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अपन नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये रॉड मैंने ऐसा ले लिया जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, मास इसका है m और लेंथ इसका l। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर टॉर्क बताओ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, कहाँ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे। अब ध्यान से देखोगे तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओ के अबाउट आपको mg की वजह से टॉर्क लिखना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F R sin theta। इस sin theta कौन से कंपोनेंट को बताता है, पैरेलल वाले कंपोनेंट को या परपेंडिकुलर, सर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बताता है। तो मैं फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकता हूं, F into R perpendicular। ये देखो ना यहाँ पे R लिया था और ये F perpendicular लिया था, तो ये भी लिख सकते हो F perpendicular into R, किससे perpendicular, R से perpendicular, R से perpendicular। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल होगा। अब देखो क्या करते हैं अपन, फोर्स कहाँ लग रहा है y में, फोर्स कहाँ लग रहा है y में, अपन यहां से डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ऑलरेडी फोर्स वाई में है तो एक्स में डिस्टेंस लो, ये है तुम्हारा डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये देखो ये है डिस्टेंस तुम्हारा एल बाई टू, एल बाई टू का डिस्टेंस एक्स में लोगे दिया जाएगा तेरा एल साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा एक्स वाला, ये डिस्टेंस का एक्स कंपोनेंट एल बाई टू साइन थीटा इंटू एम जी। बहुत छोटी बात अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत मुश्किल चीज मैं आपको पढ़ाई नहीं रहा। ये हो जाएगा आपका टॉर्क, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, तो बस एक सिमेट्री के नाम की वजह से कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे अपन सेंटर ऑफ मास को मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, वेलोसिटी को मोमेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं ना, तो इसी तरीके से इस टॉर्क को अपन कह देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, नाम है बस, खास बात नहीं, ये क्या है, नाम है। अच्छा एक बात समझना इसको लिखो पहले ये देखना, इस पर सवाल पूछते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल पार्टिकल, थोड़ा सा एक आध दो दिन में सेट हो जाएगा हाथ इस पे है,
पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एंगल थीटा, देन फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट ओरिजिन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? मैक्सिमम हाइट पे होगा। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहां से देखो मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। पार्टिकल को क्या किया? मैंने प्रोजेक्ट किया। अब हमें पार्टिकल को यू स्पीड एट थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, ये गिवन है। तो मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स में होगी, यू कॉस थीटा। मैं उससे मतलब नहीं, हमें क्या देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एम जी लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना लग रहा है? एम जी। अब ये हमें इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो ये डिस्टेंस हमें पता हो आर है। आर जो पोजिशन वेक्टर लेंगे वो तो वही है ना, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है और जहां पे ऑब्जेक्ट अभी यहां पे फोर्स लग रहा है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है एम जी। टॉर्क इज इक्वल टू, आप लिखेंगे तो एम जी इंटू आर इंटू आर और एम जी के बीच में कुछ एंगल होगा अल्फा, ये आर है। तो अपन टॉर्क लिखने के लिए काम करते हैं ना, फोर्स अगर वाई में है, फोर्स कहाँ है? वाई में, तो डिस्टेंस एक्स वाला लेते। इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, देखिए बेटा इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक आगे। इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक आगे। ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली ये कंपोनेंट आर का और ये फोर्स देखो एंटी पैरेलल होगा, तो इसकी वजह से टॉर्क लगेगा नहीं। टॉर्क किसके वजह से लगेगा? इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नथिंग बट पूरे आर का आधा आर बाई टू। टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क सिंपल हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम जी आर बाई, दैट्स इट। ये टॉर्क समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए, कई बार ऐसे सवाल दिए होते हैं, पार्टिकल इज एट 2, 3, 4 एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल एफ इज इक्वल टू 3i कैप + j कैप + 2k कैप, देन फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताओ। अब मेरी बात सुनो, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0। तो मान लो, समझना थोड़ा सा, यहां है ये ओरिजिन, पार्टिकल कहीं यहां पे है 2, 3, 4 पे, और फोर्स कहीं पे ये लग रहा है 3i कैप + j कैप + 2k कैप। अब इसमें परपेंडिकुलर ढूंढने जाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें असल में टॉर्क का मेन कंसेप्ट यूज करेंगे। टॉर्क का मेन कंसेप्ट क्या है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ये तो होता है टॉर्क, आर क्रॉस एफ। आर क्या होगा? आर ये वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेनी है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर यही तो आ गई एकदम, वाई कैप 3j कैप + 4k कैप। तो ये हो जाएगी 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, एंड फोर्स हो जाएगा आपका ये वाला, 3i कैप + j कैप + 2k कैप, ये हो जाएगा आपका फोर्स। अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करके इसको निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये बात आपको याद रहना चाहिए। ये i कैप, ये j कैप, ये k कैप, ये बोलिए 2, 3, 4, 3, 1, 2, यहाँ से निकल जाएगा आपका टॉर्क। करना आता ही है, सिखाया था मैंने, आई इधर ले लो, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 - j ले लो तो ये हो जाएगा आपका 4 - 12, और प्लस k ले लो, k ले लोगे तो ये आएगा 2 - 3 - 9, 2 - 9, यहाँ से टॉर्क निकालो। टॉर्क का यूनिट क्या होगा सर? तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। बेसिक बातें अभी मैंने आपको सिखाया है टॉर्क लिखना, ठीक है बेटा? एकदम बेसिक बातें लिखा है टॉर्क लिखना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, जब आप टॉर्क लिखते हो तो आपको मेन तीन चीजें चाहिए, आर परपेंडिकुलर एफ से,
या एफ परपेंडिकुलर आर से, ये दो चीजें आपको चाहिए, या आपको ये दो चीजें नहीं है, आप आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकालो, ये भी नहीं है तो आर एफ और आर और एफ के बीच में एंगल लेके निकालो, तो यही तो टॉर्क का कंसेप्ट है। ठीक है सर, ये तो टॉर्क लिखना हमने बेसिक सीखा है, टॉर्क लिखना सिखाया भी मैंने, कोई खास बात नहीं सिखाया है।